नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके समाचार। मैं हूँ आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देर साथ बने रहिए आपके समाचार पर। खबर दिखेंगी सच। अमृत महोत्सव आयोजन समिति उन्नाव के तत्वावधान में बाइक रैली को कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने दिखाई हरी झंडी। 16 दिसंबर के कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों से सहभागी होने की अपील। आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में पूरा देश मना रहा है। इसी क्रम में आज शहर के रामलीला मैदान से वृंदावन गार्डन आवास विकास तक एक बाइक रैली के माध्यम से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों व संघ के स्वयंसेवकों सहित सामाजिक संगठन व पूर्व सैनिक व मातृशक्ति उपस्थित रहे। यात्रा को हरी झंडी प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने दिखाई व लोगों को राष्ट्रीय व धर्म के प्रति जागरूक किया। यात्रा व आज़ादी अमृत महोत्सव समिति उन्नाव के संयोजक विमल त्रिवेदी की अगुवाई में इस भव्य यात्रा को आयोजित किया गया, जिसे हरी झंडी कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने दिखाई व इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक जितेंद्र व सदर विधायक पंकज गुप्ता उपस्थित रहे। पूरी यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से माहौल पूरी तरह राष्ट्रभक्ति वाला बन गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस पर जो आदरणीय पुष्पेन पुष्पेश जी का जो भव्य कार्यक्रम और विशाल जनसभा और वंदे मातरम गायन का जो कार्यक्रम यहाँ हजारों लोगों की भीड़ के बीच होने वाला है, उस कार्यक्रम को जन जागरण के रूप में आज जो है तिरंगा यात्रा और बाइक रैली के रूप में स्वयंसेवकों द्वारा, अमृत महोत्सव आयोजन समिति के सभी सदस्यों द्वारा और नगर के तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा ये यात्रा निकाली गई है। और ये यात्राएं लगातार 16 तारीख तक क्रमवार जो है मोहल्ले वाइज, बस्ती वाइज, नगर वाइज और ब्लॉक वाइज निकाली जाएंगी, जिससे जो है 16 तारीख को जो जनजागरण और आमंत्रण पत्र के माध्यम से सब लोगों को भीड़ एकत्रित होने के लिए यहाँ बुलाया जाएगा। उसी क्रम में आज माननीय देवकीनंदन जी, परम पूज्य संत देवकीनंदन जी का यहाँ आगमन हुआ और उनके द्वारा इस तिरंगा यात्रा को और भारत माता का पूजन करके इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। हम सब उनके आभारी हैं और भारत माता की जिस तरह से पूजा लगातार हर बस्तियों में जगह जगह की जा रही है और जो आगामी 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में समापन का कार्यक्रम होगा, उसमें पुष्पेन पुष्पेश जी का आगमन हो रहा है। और मैं आप सबके माध्यम से, आम जनमानस से, नगरवासियों से और आसपास के जनपद वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि उनके विचारों को आकर, क्योंकि प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और ऐसी विचारधारा कम लोगों में मिलती है, जो कि हम सब उनके अनुयायी हैं, उनके राष्ट्रभक्ति के लिए हम लोग सब प्रेरक हैं और उनको उनके आगमन पर आसपास के लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं।